हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीहूस किचन। समर स्पेशल में आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम की खट्टी मीठी और स्पाइसी बढ़िया सी चटनी। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। आम की खट्टी मीठी और स्पाइसी चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए कच्चे आम। तो यहाँ पर मैंने 3 कच्चे आम को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद हमें इसके ऊपर का जो ग्रीन पार्ट होता है इसे हमें निकाल लेना है। इसे निकालने के बाद इसके अंदर की सीड को भी निकाल कर इसे कट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से इसे कट करके रख लिया। इसी के साथ इसके छोटे हिस्सों में भी मैंने इसे कट किया है। तो सबसे पहले हम इसके मसाले एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि जब भी हम मसाले कुक करेंगे तो वो जले ना। तो सबसे पहले एक प्लेट में मैं ले रही हूँ मेथी दाना, करीब आधा टेबल स्पून। इसी के साथ हम ले लेंगे थोड़ा सा अजवाइन, आधा टेबल स्पून से थोड़ा कम। आधा टेबल स्पून सौंफ, आधा टेबल स्पून जितनी तिल, राई, आधा टेबल स्पून जितना जीरा। अब ले लेंगे मसाले, तो मैं यूज़ कर रही हूँ आधा टेबल स्पून जितना मिर्ची का पाउडर। इसी के साथ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, भुना हुआ जीरा यानी कि जीरा का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, आधा टेबल स्पून जितना धनिया पाउडर। इसी के साथ आधा टेबल स्पून जितना काला नमक, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और ये है सादा नमक। तो ये मसाले हम रख देते हैं साइड में। इसी के साथ हमें चाहिए होगा गुड़, तो मैंने लिया है करीब 1 कटोरी गुड़। मैंने 2 टेबलस्पून जितना तेल कढ़ाई में गरम किया है। तेल गरम हो जाने के बाद सूखे सभी ड्राई इंग्रेडिएंट हम इसमें डाल देंगे, यानी कि जितने सीड फ्लेवर में मसाले हमने लिए थे वो इसमें मिला दिए हैं। इसे भून लेंगे 2 मिनट के लिए और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कच्चे आम के जो टुकड़े हमने करके रखे हुए थे वो, और इसे मिक्स करते जाना है 1 से 2 मिनट लगातार चलाते हुए। मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे। अब डाल देंगे मसाले, जो मसाले हमने निकाल के रखे हुए थे। आप मसाले की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे ताकि ये जो आम है वो जल्दी से कुक हो जाए। पानी की क्वांटिटी अगर आप थोड़ी ज़्यादा डालना चाहते हैं, जैसे कि ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अगर ज़्यादा रखना चाहते हो तो थोड़ा ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। अब इसे हमें कवर करके पकाना है 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर, ताकि ये जो कच्चे आम हैं वो पक जाए। अब लीड हटाकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए आम कितने ज़्यादा सॉफ्ट बन चुके हैं। इस स्टेज पर हमें इसमें मिला लेना है गुड़, जो हमने लिया था करीब 1 कटोरी। आप गुड़ की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, चाहे तो गुड़ के बदले यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर आधा गुड़ आधा चीनी ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हमें कवर करके वापस पकाना है 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर, ताकि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए, बहुत बढ़िया कलर और फ्लेवर आए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर गुड़ मेल्ट हो चुका है और गुड़ की जो चाशनी यहाँ पर बनके तैयार है वो बहुत ही बढ़िया दिख रही है। इसी के साथ मैंने इसमें मिलाया है कटा हुआ हरा धनिया। आप हरा धनिया स्किप कर सकते हैं अगर आपको पसंद ना हो तो। तो मैंने इसमें मिला दिया। अब इसे मिक्स करेंगे, 1 मिनट तक पकाएंगे। तो लीजिए, कच्चे आम की खट्टी मीठी और स्पाइसी चटनी बनके तैयार है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पानी की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा डाली थी क्योंकि मुझे इसकी थोड़ी सी ग्रेवी रखना था। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अब ये समर सीज़न में कच्चे आम मिलते हैं, तो ये सीजनेबल फ्रूट, इसे बनाना तो एक बार बनता है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना। आप इस आम की खट्टी मीठी और स्पाइसी चटनी को 8 दिन तक स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। मिलते हैं नए एक सिंपल और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।